वेलकम टू मॉम सियामी कुकिंग। साल के लास्ट डे को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम बनाना सीखेंगे पनीर टिक्का वेजिटेरियंस के लिए और चिकन रेशमी कबाब नॉन वेजिटेरियंस के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। हमारे रीसेंट अपडेट्स को पाने के लिए बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करें। सबसे पहले हम बनाएंगे पनीर टिक्का। बनाने के लिए एक मीडियम साइज के प्याज को डाइस कर काट लें। 200 ग्राम पनीर को मनपसंद आकार में काट लें। एक कैप्सिकम को डाइस शेप में काट लें। कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच रिफाइन ऑयल गरम करें। इसमें 2 चम्मच बेसन डालें। बेसन को धीमी आंच पर खुशबू आने तक अलग रख दें। पनीर टिक्का का मैरिनेट बनाने के लिए आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कद्दूकस किया लहसुन, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और तैयार बेसन के मिक्सचर को लें। एक बाउल में आधा कप गाढ़ा दही लें। इसमें सारे मसालों को डाल दें। अच्छे से मिला लें। इसमें आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच नींबू का रस और तैयार बेसन के मिक्सचर को डालकर मिलाएं। बेसन में हमने पहले ही तेल मिलाया था, इसलिए अलग से तेल डालने की जरूरत नहीं। अगर आप बेसन को ड्राई रोस्ट करके मिलाना चाहते हैं तो इसमें 2 चम्मच तेल या बटर मिलाएं। मैरिनेट तैयार है। इसमें प्याज, पनीर और कैप्सिकम को डालकर मैरिनेट के साथ अच्छे से कोट कर लें। इसे फ्रीज में रखकर 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने दें। वुडन स्कीवर या टूथपिक को पानी में भिगोकर रख दें ताकि फ्राई करने के वक्त ये जले ना। 2 घंटे बाद पनीर को रेफ्रिजरेटर से निकाल लें। इसे टूथपिक में अरेंज कर लें। तवे में 2 चम्मच बटर गरम होने दें। इसमें पनीर के टिक्के को डालकर मीडियम आंच पर फ्राई कर दें। इसे पलटते हुए चारों तरफ से फ्राई कर लें। पनीर टिक्का तैयार है। अब इसे प्लेट में निकाल लें। पनीर टिक्का तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। अब हम बनाना सीखेंगे चिकन रेशमी कबाब।
सबसे पहले 300 ग्राम बोनलेस चिकन ले, इसमें आधा चम्मच नमक मिलाकर रख दे। अब एक बाउल में आधा कप गाढ़ा दही और आधा कप फ्रेश क्रीम लेकर अच्छे से मिला ले। इसमें आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच कसूरी मेथी डालकर मिलाएं। अब इसमें एक चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच चाट मसाला और 2 चम्मच ग्रेटेड चीज मिलाएं। मैरिनेट तैयार है। अब इसमें चिकन डालकर अच्छे से कोट कर ले। इसमें 1 चम्मच बटर मिलाएं। चीज और बटर मिलाने से चिकन ज्यादा सॉफ्ट बनता है। चिकन को कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने दें। ओवरनाइट मैरिनेट करने से चिकन ज्यादा सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। वुडन स्कीवर लें। वुडन स्कीवर को आधे घंटे पहले से ही पानी में रखा गया था ताकि ये तवे पर जले नहीं। मैरिनेटेड चिकन में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर मिलाएं। अब चिकन को स्कीवर में अरेंज कर ले। चिकन पीसेस के बीच थोड़ा गैप रखें जिससे चिकन अच्छे से पक जाए। अब पैन में 2 चम्मच बटर या ऑयल डालकर गरम करें। स्कीवर्स को पैन में डालकर धीमी आंच पर फ्राई करें। इन्हें पलटते हुए अच्छे से फ्राई करें। आप चाहे तो इसे धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए ढक कर भी पका सकते हैं। रेशमी कबाब तैयार है। इसमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए चिकन कबाब को 15 से 20 सेकंड के लिए आग पर स्मोक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। हमारे रीसेंट अपडेट्स को पाने के लिए बेल के आइकन पर क्लिक जरूर